गुड मॉर्निंग। पार्ट दो, कलाकार का कमाल। हम इतना ये पार्ट पढ़ चुके हैं इतना, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में पीछे हमने क्या पढ़ा है उसका मैं बता देती हूँ कि एक व्यक्ति होता है जो बहुरूपे का रूप धारण करता है बार बार। कभी कभी वो डाकिये का रूप लेता है, कभी वह धोबी का रूप लेता है, और कभी उस एक दिन उसने साधु का रूप धारण किया। साधु का रूप धारण किया तब उसकी ख्याति जगह जगह फैलने लगी। फिर उसी गांव में एक सेठ रहता था। जब उसकी पत्नी बीमार हो गई तो लोगों के कहने पर वह उस सेठ उस साधु के पास गया, और उस साधु के पास जाने से उसकी पत्नी धीरे धीरे ठीक होने लगी, एकदम सही हो गई। तो उसकी आस्था उस साधु के प्रति ज़्यादा हो गई। अब वह सब अपना धन दौलत छोड़ के उस साधु की शरण में चला गया। फिर वो साधु को बड़ा अफसोस होता है कि इतना बड़ा सेठ जो मेरी शरण में आ गया है, तो मैं क्यों नहीं अपनी असली रूप उनको बता दूं। ये सेठ फिर अपना सब धन दौलत उसको देने जाता है, तो साधु अपना ये सब हकीकत बताता है कि नहीं, मैं सच में साधु नहीं हूँ, मैं एक बहुरूपिया हूँ, और इस बार मैंने साधु का वेश धारण किया है, और उसकी सारी संपत्ति लौटा देता है और वापस अपने असली रूप में आ जाता है। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। साधु उसे एक रोज एक ही उपदेश दिया करता था, यह संसार माया है, धन का लोभ मानव को मानव नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में है। सच्चा सुख किसमें है? धन का त्याग करने में है। इस मोह माया के जाल में निकलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से मन को असीम शांति का अनुभव होने लगता है। सोना तो मिट्टी है, और मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा। एक दिन साधु ने घोड़ों, ऊँटों और बैलगाड़ियों के झुंड को अपनी कुटिया की ओर आते हुए देखा, तो मन में संदेह हुआ कि कहीं लोगों को उसकी असलियत तो पता नहीं चल गई, यानी वह एक फ्रॉड साधु है, इसलिए उसको ऐसा लगा कहीं लोगों को पता तो नहीं चला कि मैं झूठा साधु हूँ, और ये सरकार के आदमी उसे पकड़ने तो नहीं आ रहे हैं। वह यह सोच ही रहा था कि देखा उस झुंड के आगे वहीं सेठ है। सेठ के पास आया, उसने साधु को प्रणाम किया। गाड़ियों, घोड़ों, ऊँटों पर लदे सोने चांदी के गहने, मोहरों और धीरे और हीरे जवाहरात को उतारा गया। देखते ही देखते कुटिया के सामने ढेर लग गया। सेठ ने साधु के चरण पकड़कर कहा, महाराज आपके उपदेशों से मुझे सच्चे ज्ञान की अनुभूति प्राप्त हुई है, और इस संसार से मेरा मन फिर गया है। झूठ कपट से मैंने जो धन कमाया था वह सब मैं आपके चरणों में रख रहा हूँ। इसका जो भी आप चाहे करें, या तो गरीबों में बांट दें, या मंदिर बनवा दें, या मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे अपना शिष्य बना लो। गंभीर स्वर में साधु ने उत्तर दिया, जिस धन को मैं मुझे त्यागने का उपदेश देता हूँ तुझे त्यागने का उपदेश देता हूँ, तू उसी माया में मुझे क्यों फंसाता है? जो तेरे लिए मिट्टी है वह मेरे लिए तो और भी पहले मिट्टी है। मैं इसे हाथ नहीं लगा सकता, और सचमुच उसने धन नहीं लिया। समझा बुझा कर सेठ को लौटा दिया। महात्मा की इस महानता ने से सेठ की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन जब सेठ आया तो साधु का कहीं पता नहीं था। इधर उधर खोजा, कहीं भी कोई नहीं था। इतने में किसी ने आकर उसके चरण पकड़ लिए। सेठ, मेरा इनाम दे। कैसा इनाम? तुम कौन हो? सेठ ने आश्चर्य से उस व्यक्ति से पूछा। कसूर माफ करना सेठ जी, मैं वही कल वाला महात्मा साधु हूँ। मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहुरूपिया हूँ। जब आप जैसे चतुर आदमी को मैंने धोखा दिया, तो मुझे अपनी कला का बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अपराधी के भाव से बहुरूपिया सेठ झुकाए खड़ा था। सेठ आश्चर्य से उसकी ओर देखकर बोला, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया, लेकिन एक बात बता, कल जब मैं अपनी सारी संपत्ति तेरे पास लाया तब तूने उसे स्वीकार क्यों नहीं किया? अगर तू उसे ले लेता तो आज तू सेठ बन जाता। तुझे इस तरह इनाम मांगने की क्या आवश्यकता होती?
बहुरूपे ने विनम्रता से कहा। सेठ जी, यह बात मेरे मन में भी आई थी। मैं आपकी सारी संपत्ति लेकर कहीं भी जा सकता था, पर मैंने मेरे जमीर यानी मन से मन ने कहा कि यह सही नहीं है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा बन रखने के लिए यह उचित है कि मैं संपत्ति को त्याग दूँ। इसलिए सच्चे महात्मा की तरह मैंने अपनी आत्मा को उस माया रूपी दलदल से निकाल कर अपने कार्य की पवित्रता को बनाए रखा। अब आप जो इनाम मुझे देंगे खुशी खुशी ले लूँगा, और मेरी सेठानी की बीमारी सेठ ने पूछा। उसमें भी मेरा कुछ नहीं, वह तो आपका और सेठानी का विश्वास और संयोग था। सेठ की समझ में सचमुच नहीं आ रहा था कि यह कैसा बहुरुपया है जो करोड़ों की संपत्ति का त्याग करके 2-4 असरफियों के इनाम पर अपना प्रसन्न और संतुष्ट है। त्याग कर असरफियों के इनाम पर इतना प्रसन्न और संतुष्ट है। उसने अपने बहुरुपया का रूप धारण किया वापस, और एक साधारण आदमी बनकर साधु का वेश त्याग कर उसने अपने मेहनत की कमाई को ही अपना माना, अपना जीवन यापन किया। उसने जीवन का त्याग कर 2-4 अस्सी रुपयों को इनाम में पाकर बहुत खुश हुआ। कौन? वो साधु जो बहुरुपया था। ओके, ये शब्दार्थ कर लेना, नहीं किए हो तो। बहुरुपया का शब्द का अर्थ क्या है, यानी विभिन्न रूपों वाला। एक बहुरुपये किस किस तरह का रूप बनाता है? धोबी, डाके और साधु का। क्या आपने कभी कोई बहुरुपया देखा है? हाँ, देखा हो तो उसका बता देना आप। जैसे हनुमान जी भी बहुरुपये के रूप में बनते हैं काफ़ी लोग। महादेव जी पाठ में एक बार बहुरुपये ने किसका रूप धारण किया? साधु का। प्रस्तुत पाठ में मानव के किस गुण को उजागर किया? ईमानदारी का। ओके, अब ये देखो, बहुरुपया शब्द बहु का क्या अर्थ है? अनेक। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है। बहुरुपया शब्द बहु का क्या अर्थ है? बहु का यानी अनेक। फिर एक बार बहुरुपये ने कौन सा रूप धारण किया था? डाकिया, धोबी, नाई या साधु का? साधु का। किसका नाम चारों ओर फैलता जा रहा था? साधु का। सेवक बहुरुपया कैसे व्यक्ति था? सेवक बहुरुपया कैसा व्यक्ति था? ईमानदार। अब है पहला प्रश्न, जब बहुरुपये ने साधु का रूप धारण किया तो उसका क्या परिणाम हुआ? एक बार बहुरुपये ने साधु का रूप बनाया तब लोग उसके दर्शन को आने लगे। धीरे धीरे चारों तरफ साधु का यश फैल गया और सारे दिन उसके पास भीड़ लगी रहती थी। लोग कहते कि महात्मा जी के उपदेशों का जादू है और उनके आदर्श आशीर्वाद से संसार के बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। पहली लाइन ये यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट का उत्तर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, साधु के बारे में सेठ के क्या विचार थे? वह क्यों उसकी शरण में चला गया? सेकेंड क्वेश्चन, साधु उसे रोज एक ही उपदेश दिया करता था, यह संसार माया है। धन का लोभ मानव को मानव नहीं रहने देता। जितना धन बढ़ता है उतना लोभ भी बढ़ता है। सच्चा सुख धन का त्याग करने में। इस मोह माया के जाल में निकलकर भगवान के चरणों में ध्यान लगाने से मन को असीम शांति का अनुभव होने लगता है। सोना तो मिट्टी है, मिट्टी का मोह पालकर आज तक किसी ने शांति नहीं पाई। धीरे धीरे साधु के उपदेशों का प्रभाव सेठ पर पड़ने लगा और सेठ साधु के शरण में चला गया। यहाँ से दूसरे का उत्तर, ये मैं लिख के नहीं दूंगी आपको, मैं बता रही हूँ, टिक लगाओ और कॉपी में करोगे। बहुरुपये साधु का कैसा स्वभाव था? उसे सेठ की करोड़ की संपत्ति धन दौलत क्यों लौटा दी? यहाँ से थर्ड का, बहुरुपये ने नम्रता से कहा, सेठ जी यह बात मेरे मन में आई थी। मैं आपकी सारी संपत्ति लेकर कहीं भी जा सकता था, पर मेरे जमीर यानी मन ने कहा कि यह सही नहीं है। मैं संसार त्यागी महात्मा का रूप धारण किए हुए हूँ। अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे रूप में खोट आ जाएगी। रूप को सच्चा रखने के लिए यह उचित है कि मैं संपत्ति का त्याग दूँ। इसलिए सच्चे महात्मा की तरह मैंने अपने आत्मा को इस माया रूपी बदलदल से निकाल कर अपने कार्य को पवित्र तो बनाए रखा। अब आप जो इनाम मुझे देंगे मैं खुशी खुशी ले लूँगा।
ओके, ये यहाँ से यहाँ तक। तीसरा, एक दो तीन हो गए। चौथा, लोगों, चौथा क्वेश्चन, लोगों के साधु के बारे में क्या विचार थे? यह विचार थे कि वह साधु ईमानदार व बड़े ज्ञानी है। उनके उपदेशों से लोगों के जीवन में बदलाव आया है, इसलिए वे साधु को बड़ा महान मानते थे। ओके, वापस बोल रही हूँ। फोर्थ का क्वेश्चन, यह विचार था कि यह साधु ईमानदार व बड़े ज्ञानी हैं। इनके उपदेशों से लोगों के जीवन में बदलाव आया, इसलिए वे साधु को बड़ा महान मानते थे। ओके, ये फोर्थ का उत्तर। फिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सबके जीवन में एक ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी ईमानदारी की परीक्षा होती है। छल प्रपंच या धोखा देकर कमाए गए धन से हम सुख चैन और मन की शांति नहीं पा सकते। ये हमारी शिक्षा है। ओके, ये फिफ्थ का क्वेश्चन है, आपके आंसर है। ये पांचवा क्वेश्चन, ये करना है आपको। और फिर किससे कहा, एक बार उस साधु महाराज को दिखा देने से क्या हानि है? किसने कहा? मित्रों व शुभचिंतकों ने। किससे कहा? सेठ से कहा। सेकंड है, महाराज जैसे भी हो सेठानी को जीवन दान दीजिए। किसने कहा? सेठ ने कहा। किसको कहा? साधु को। तीसरा, इनाम तो मैं तुझे दूंगा, सचमुच तूने अपने काम में कमाल कर दिया। किसने कहा? सेठ ने कहा। और किसको कहा? साधु को कहा। फिर फोर्थ है, मैं साधु वाधु कुछ नहीं, आपका सेवक बहु रुपया हूँ। ये बहु रुपया ने कहा। किससे कहा? सेठ को कहा। फिफ्थ है, और मेरी सेठानी की बीमारी, ये सेठ ने कहा। और किससे कहा? बहु रुपये को कहा। ये मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, जरूरी नहीं है मैं पिक भेजूँ आपको, आप खुद पढ़ो। और आपको उत्तर के क्वेश्चन टिक भी लगा दिए, और मैं बोल भी रही हूँ आपको, तो आप जो मैं बोल रही हूँ वो लिखते जाओगे, वीडियो देखोगे और वीडियो के अकॉर्डिंग काम करोगे। ओके, आपको प्रश्न क, प्रश्न ख और प्रश्न ग, ये चारों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ओके।